मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, सुप्रभातम। चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है, यूनिट 3 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अपन बात कर रहे थे कल, थोड़ी सी इसमें चर्चा की थी। जो आपने कल पढ़ा उससे आगे का अपन आज पढ़ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, आपको ध्यान रखना है इस बात का, अच्छे से इस टॉपिक को याद करेंगे और इसके जो अनुप्रयोग है उनको भी आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक है अपना बायो सावर्त नियम। टॉपिक का नाम है बायो सावर्त नियम। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो क्या है, कोई भी अपने पास कोई धारावाही चालक तार है, कोई भी धारावाही चालक तार अपन ले लें, जैसे कि ये मान लो कि धारावाही चालक तार ले लिया और इसमें ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस तार के कारण अपने को ये तो पता था कल और स्टेट प्रयोग में पढ़ा था कि इस तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र होता कितना है वो अपने को ज्ञात करना है, और वही कौन देता है, बायो सावर्त नियम देता है। वही कौन देगा, बायो सावर्त नियम। तो इसके लिए अपन ने एक चालक तार माना है। देखिए, ये अपने पास एक चालक तार है, तार को नाम दिया है ए बी। ठीक है, और इस तार में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अपन ने मान के चल रहे हैं, कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा प्रवाहित। ठीक है, तो इस संपूर्ण तार से अपने वो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो इसको अपन अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से विभाजित मान सकते हैं, और उनमें से एक अल्पांश अपन ने मान लिया और उसकी लंबाई है डी एल। ठीक है, इस अल्पांश के केंद्र से एक बिंदु P है, इस पे ही अपने को ज्ञात करना है। तो इस केंद्र से इस बिंदु P की जो दूरी है वो मैंने मान ली आर वेक्टर है। तो इस स्थिति में ये कितना इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसकी स्थिति है r दूरी है और इससे बनने वाला अल्पांश की दिशा और जो त्रिज्य सदिश की दिशा, इसके बीच बनने वाला कोण कितना है, थीटा है। तो उस स्थिति में इस बिंदु P पर कितनी होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अल्पांश है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी अल्पांश लेंगे अपन, टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को अपन बी से लिखते हैं। तो बायो सावर्त का नियम यह कहता है कि ये जो अल्पांश है, किसी धारावाही चालक तार का एक धारावाही अल्पांश, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये मैंने लिखी है। ठीक है, ये इस तार में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होती है। एक पॉइंट तो ये होता है कि चालक तार में प्रवाहित या इस अल्पांश में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती। ठीक है, दूसरा, जो अल्पांश लेते हैं उसकी लंबाई के समानुपाती, मीन्स db समानुपाती dl। तीसरी चीज, फैक्टर निर्भर कर रही है कि जो अल्पांश की दिशा है और जो त्रिज्य सदिश की जो दिशा है, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण, ये थीटा की ज्या, ज्या को अपन कहते हैं साइन और कोज्या को कहते हैं कोस। तो ज्या के समानुपाती मीन्स db समानुपाती साइन थीटा, और इनके समानुपाती होता है। और जो उस अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई, या कह दूं उस केंद्र से उस अल्पांश से उस बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसको एक साथ बोलें तो चार अपने पास फैक्टर हो गए। तो इस अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश की दिशा व त्रिज्य सदिश की दिशा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती, और अल्पांश के केंद्र से उस बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या बनेगा, इन चारों को एक साथ लिखें तो ये बनेगा db समानुपाती idl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाते हो तो कॉन्स्टेंट आएगा, और यहां पे कॉन्स्टेंट आता है के, और उसका मान होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है वो ये आती है, आपको याद भी रखनी है। मैथमेटिकल फॉर्म में जो आपके पास में बायो सावर्त का नियम होता है वो डीबी इज इक्वल्स टू होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे जो म्यू नोट होता है ना, म्यू नोट ये होती है निर्वात की चुंबकनशीलता, निर्वात की क्या होती है चुंबकनशीलता होती है। पहले चैप्टर में अपने पढ़ा था, याद हो तो आप लोगों को, पहले चैप्टर में अपने एप्सिलॉन नोट पढ़ा था जो कि निर्वात की विद्युतशीलता थी। ये चुंबक का अपन बात करेंगे यहां पे, तो यह निर्वात की चुंबकनशीलता या इसको कह सकते हो पारगम्यता, क्या होगी पारगम्यता। और गणितीय मान कॉन्स्टेंट राशि होती है, इसका गणितीय मान होता है वो होता है 4π × 10⁻¹⁷। ठीक है, मात्रक, मात्रक अपन इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जब इसी फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे। कल अपन ने इसके मात्रक से लिखे थे, टेस्ला लिखा था, न्यूटन की फॉर्म में लिखा था और वेबर की फॉर्म में लिखा था, ठीक है, तो उसी की फॉर्म में अपन लिखे थे, तो वहां से अपन मात्रक इसका लिख सकते हैं। एक तो बनता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, एक तो क्या बनेगा न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा अपने पास में क्या बचता है, दूसरा जो इसका मात्रक है ये भी आप याद रख सकते हो, वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये म्यू नोट के मात्रक होते हैं। तो ये बायो सावर्त का नियम होता है, बड़े ध्यान से आपको याद रखना है इसको। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बायो सावर्त का नियम क्या है। बायो सावर्त के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के अल्पांश के कारण है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस अल्पांश में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती, वह अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, वह अल्पांश की दिशा व त्रिज्य सदिश की दिशा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती, और अल्पांश व उस बिंदु के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात गणितीय रूप में लिखा जाता है डीबी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां म्यू नोट कॉन्स्टेंट राशि है, एक नियतांक है जिसे कहते हैं निर्वात की चुंबकनशीलता या पारगम्यता, और इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या इसका मात्रक वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। अब इसको अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, क्योंकि सदिश राशि होती है चुंबकीय क्षेत्र, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लगाएंगे, तो डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और आर कैप, जहां आर कैप एकांक सदिश है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। ठीक है, चूंकि आर कैप का मान अपन पढ़ते आए हैं, एकांक सदिश का मान होता है सदिश राशि और उस सदिश राशि का परिमाण, यही होता है, यही होता है। तो ये मान यहां रखेंगे तो ऊपर बनेगा आर कैप, सॉरी आर वेक्टर, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर, ये बनता है आर क्यूब। तो डीबी वेक्टर क्या बनता है, म्यू नोट अपॉन 4π आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यूब और आर वेक्टर, ये आपके पास में बनता है। ठीक है, और इसको अपन साइन थीटा, देखो थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा यहां पे इस डीएल की दिशा में जो धारा की दिशा प्रवाहित हो रही है इसके, और इसके साथ में जो आपके पास में त्रिज्य सदिश है उसकी दिशा, मतलब अल्पांश की दिशा और त्रिज्य सदिश की दिशा के मध्य का कोण है, तो इन दोनों के मध्य कोण है, तो डीएल और आर के मध्य थीटा अगर हटाऊं तो अक्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, तो ये बनेगा डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4π और ये बनता है आई और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और अपॉन में, अपॉन में क्या बनेगा आर क्यूब, ये इसका अन्य हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि ये तो आया है अल्पांश के कारण,
तो संपूर्ण के कारण कितना होगा? संपूर्णता के लिए अपन क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे तो इधर समाकलन क्या तो आ जाएगा, बी वेक्टर। तो संपूर्ण तार के कारण बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो होगी बी वेक्टर म्यू नोट आई अपॉन फोर पाई, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गए समाकलन से। समाकलन डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये आपके पास में क्या जाता है, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें अपन केस ले लें कि ये जो बिंदु P है, दो केस लें कि यदि ये इसकी अक्ष पर है, अक्ष पर है इसका मतलब बिंदु P अगर इधर आएगा तो थीटा कितना हो गया, जीरो। या अगर ये बिंदु P यहां है, यहां मतलब इसकी निरक्ष पर, या मैं कह दूं इसके लंबवत है, तो थीटा कितना हो गया, 90। तो दो कंडीशंस हैं अपने पास में। केस फर्स्ट क्या बनता है, केस फर्स्ट यदि थीटा बराबर जीरो डिग्री हो, थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो। साइन जीरो का मान जीरो होगा तो डीबी में साइन थीटा ऊपर आ रहा था, तो वहां फॉर्मूले से डीबी बराबर क्या बनेगा, जीरो। तो जो अपन कहें कि अक्ष के अनुदिश जो बिंदु होते हैं उन बिंदुओं के लिए चुंबकीय जो आपका क्षेत्र है उसकी तीव्रता का मान शून्य होता है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो गया। नेक्स्ट है केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहेगा, वो कहता है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90, मीन्स तार के लंबवत हो बिंदु पी, तो उस स्थिति में साइन थीटा कितना होगा, 1। और वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अधिकतम बसती है, कितनी बसती है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, कितनी बसती है, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर बसती है। ठीक है, ये अधिकतम होती है तीव्रता। तो ये होता है बायो सावर्त का नियम, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन या दो नंबर का क्वेश्चन आता है इससे संबंधित, तो इसके अनुप्रयोग भी आते हैं, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन आपको पहले नियम पता होना चाहिए तभी अपन अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इस नियम को आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखें। ठीक है, नेक्स्ट जो चुंबकीय क्षेत्र के अपन ने पढ़ा कि यह सदिश राशि तो होती है, ठीक है, इसकी दिशा भी होती है, तो वो दिशा कैसे दी जाएगी, पता कैसे चलेगा अपने को कि किस दिशा में है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस दिशा को ज्ञात करने के लिए अपने पास कई सारे रूल्स दिए गए जिनमें कुछ मुख्यतः इस प्रकार हैं। पहला नियम होता है स्नो रूल। स्नो की फुल फॉर्म होती है, भाई ध्यान से आप देखेंगे, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होता है साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, इसी में इस नियम को रखा है। ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कंपास बना देता हूं, यहां पे ये कंपास मैंने बनाया है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट है, ठीक है, ये मैंने कंपास बना दिया है, दिशा बना दी है। तो अगर मैं कहूं कि अपने पास एक वायर है, धारावाही चालक तार है ए बी, इस नियम के अनुसार यदि धारावाही चालक तार में धारा की दिशा दक्षिण साउथ से नॉर्थ हो, ध्यान से देखना, साउथ से नॉर्थ हो, तो देखो साउथ से नॉर्थ इधर हो गई तो ये हो, ठीक है, तथा तार चुंबकीय सुई के ऊपर, ऊपर मींस ओवर, ऊपर स्थित हो, तो यहां रखी होगी चुंबकीय सुई, इसके नीचे चुंबकीय सुई रखी हुई होगी, ये चुंबकीय सुई रखी हुई होगी, ठीक है, ये साउथ और ये नॉर्थ। चुंबकीय सुई, तार चुंबकीय सुई के ऊपर हो, ओवर हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है, ये वाला ध्रुव है, पश्चिम वेस्ट दिशा में विक्षेपित होता है, ये होता है स्नोरो। तो ये जो कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो चुंबकीय सुई है वो इस प्रकार से चली जाएगी, ये एस सिरा, ये एन सिरा इधर चला जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, स्नो रूल क्या है, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, मीन्स यदि किसी धारावाही चालक तार में धारा साउथ से नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर हो, तथा तार चुंबकीय सुई के ऊपर स्थित हो, तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित होता है, यह है स्नो रूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार दी जाएगी। दूसरा है दाएं
हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम देखो क्या होता है। जैसे कोई ये सीधे धारावाही चालक तारों के लिए होता है, तो मेरे पास एक ये सीधा धारावाही चालक तार है जिसमें धारा की दिशा ऐसे बह रही है। जैसे ये मान लो कि ये अपने पास में देखो ये पेन है, तो ये पेन एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। अगर इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही है तो इस चालक तार को आप इस प्रकार से पकड़ें, दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में हो। देखो ये अंगूठा है, ये धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो देखो अपन ने ये तार था, ये वायर है ऊपर की तरफ, अभी आपके पास देखो ऊपर की तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो मैं इस प्रकार से पकड़ूंगी, देखो अंगूठा आपकी तरफ ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां, मैं इसको इस प्रकार से दिखाऊं, ये अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किस प्रकार होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इसमें अगर धारा की दिशा ऐसे है तो मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे नीचे से आएंगी, तो ये किसकी दिशा दर्शाएंगी, बी वेक्टर की दिशा को। तो ये होता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, समझ में आया होगा आपको। जैसे ये चालक तार है, इसमें ये टिप की तरफ इधर धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर आप इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, देखो ये अंगूठा धारा की दिशा को में है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो देखो इसमें भी ये मैंने जो रोटेशन का साइन दिखाया है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। ये आपके पास में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। तीसरा जो नियम है वो होता है वर्तीय धाराओं के लिए। ये जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है, ये तो होता है किसी रेखीय तार में, सीधे धारावाही तार में अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लेकिन अगर सीधा रेखीय तार ना होकर वर्ताकार रूप में है, कुंडली के रूप में है, तो उसके लिए दूसरा नियम होगा। तो उसके लिए नियम होगा वर्तीय धाराओं के लिए दाई हथेली का नियम, दाई हथेली का नियम। ये सीधे धारावाही तार के लिए तो होता है दाएं अंगूठे का नियम, और वर्तीय धाराओं के लिए होता है दाएं हथेली का नियम। कैसे? जैसे कि अपने पास में मान लो ये एक वर्तीय परिपथ है, ये वर्तीय कोई कुंडली है, और इस वर्तीय कुंडली में धारा ऐसे बह रही है, देखो ये ऐसे बह रही है, इधर से आ रही है और ऐसे जा रही है, ये धारा की दिशा है। तो कुंडली जो है वो ये कहेंगी, यदि दाहिने हाथ की नियम है, तो यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां, देखो ये अपने इसको इस प्रकार से खोला है हथेली को, ठीक है, और इसमें अगर धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़े, ऐसे धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़े, देखो ये अगर मान लो कि कोई रिंग है अपने पास में, और उस रिंग में धारा ऐसे आ रही है ऊपर की तरफ, तो अगर मैं दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़े, तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो देखो ये धारा ऐसे आ रही है, तो ऐसे आ रही है, तो इस प्रकार से मुड़ेंगी उंगलियां, इस प्रकार से मुड़ेंगी, तो जो अंगूठे की दिशा है वो किसकी दिशा को व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की। तो 3D में अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये इस प्रकार से है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो इसको आप 3D में ध्यान से समझें कि ऐसे कोई तार है, वर्ताकार तार है, ठीक है, तो ऐसे अगर मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा में है, ऐसे कोई तार है, तो अंगूठे की दिशा किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। नेक्स्ट जो नियम है वो है मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम, मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम, या इसको दक्षिणावर्ती पेच नियम भी कहा जाता है, दक्षिणावर्ती पेच नियम भी कहते हैं इसको, या मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम। अपने घरों में आपने देखा होगा एक पेचकस आप जिसको कहते हैं, या स्क्रू ड्राइवर जिसको अपन कहते हैं, वो अपने घरों में होता है, और जो पेच होता है जो कि लकड़ी या किसी लोहे की या दीवार में या अपन उसको काम में लेते हैं कोई भी वस्तु लगाने के लिए, तो वो पेच कुछ इस प्रकार का होता है, मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, देखा होगा आपने, ये कुछ पेच है इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप,
ये पेच है, ऐसे होता है, इसमें रिंग्स ही होती हैं। तो यदि इस पेच को अपन घुमाते हैं तो देखो पेच को अगर ऐसे घुमाते हैं इधर की साइड में तो आगे बढ़ता है और ऐसे घुमाते हैं तो पीछे आता है, ठीक है। तो यदि कोई धारावाही चालक है और उस चालक तार में धारा की दिशा ऐसे है, तो यदि पेच धारा की दिशा में आगे बढ़े तो घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। देखो धारा की दिशा इधर है, तो धारा की दिशा इधर है, तो ये आगे कब जाएगा, आगे कब जाएगा, ये जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ठीक है। तो जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो आगे की तरफ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा। तो जब इसको ऐसे घुमाते हैं तो देखो ये धारा की दिशा में जा रहा है, तो अगर आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में हो तो स्क्रू पेच को घुमाने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ऐसे, ऐसे घुमा रहे आप इसको, तो ये हो जाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चार नियम आपको बताए हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को पता करने के लिए, चारों में से अपन कोई सा भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो अलग अलग स्थितियों में। जैसे अगर कोई सीधा तार आ गया तब तो आप दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यूज करेंगे, ठीक है। सीधा तार में ही आप स्नो रूल भी यूज कर सकते हैं। अगर वर्तीय धाराएं आ गई, वर्तीय कोई कुंडली आ गई, तब आपको दाएं हथेली का नियम यूज करना पड़ेगा, और सीधे तार के लिए आप मैक्सवेल का कोर्क पेच नियम भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा है, इसके बारे में आप आराम से डिस्कस करें, पढ़ें बायो सावर्त का नियम, और इन दिशाओं का यूज आगे अपन अनुप्रयोगों में करेंगे। इसलिए आपको पहले बताया, अभी कल की क्लास में अपन अनुप्रयोग पढ़ेंगे बायो सावर्त के, उसमें अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं उनका आप पूछेंगे। ओके, धन्यवाद।